आवास योजना घोटाले के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। वार्ड नंबर 24 व 41 के बाद अब वार्ड नंबर 50 का घोटाला सामने आया है। वार्डवासियों ने कहा कि पार्षद चरणजीत सिंह हैप्पी ने अपने नाते रिश्तेदारों को आवास योजना की ग्रांट दिलाई है। तस्वीर में हाईलाइट किए गए नामों में से पार्षद की भांजी सहित ऐसे भी लाभपात्री हैं जिनके पक्के मकान हैं। वार्डवासियों ने रोष जताते हुए कहा कि असली हकदारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। कई ऐसे वार्डवासी हैं जिनके सर पर छत नहीं है लेकिन उन्हें ग्रांट नहीं मिल पाई। पार्षद चरणजीत सिंह हैप्पी ने कहा कि विभाग की ओर से योग्यता देखकर ही ग्रांट खातों में डाली गई है। पार्षद जी, जरा योग्यता का पैमाना जरूर बता दीजिएगा। वहीं टुडे हेडलाइंस द्वारा आवास योजना इंचार्ज अमृत संधु को लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहे। मैं जगजीत सिंह, वार्ड नंबर 50, बीजेपी का कार्यकर्ता। ये हूँ इलैक्शन का टाइम है, इस तो पहला ही काफ़ी लोगों दिया जो गरीब है जिन्हों के मकान नहीं है जिन्हों को जिन्हों के मकान रिपेयर होने वाले है उन्होंने अं इतों फाइलों भरी हैं। कम से कम 10-15 केस मैं इतों बना करवा के भेजे लेकिन उन्होंने किसी दे भी अज तक पैसे नहीं आए। तो ये हूँ अज जो मतलब साढ़े स्कैंडल सामने आया है, ये साढ़े 6 लोग है वार्ड के जिन्हों के अकाउंट में 29,500 समथिंग पैसे पे है ने, जो MLA अपने है ने, अपने मौजूदा MLA है ने अमित विज जी, उन्होंने अपने MCA चहेते MCA के कहते ये पैसे पाए गए हैं। जिन्हें भी है जिन्हों के ना है लिखे ये सारे ही MCA के चहेते ने साढ़े वार्ड के, लेकिन ये इन कोई भी बंदा डिजर्व नहीं करता भी जिदा इन्हें एक दो तो ऐसे है जिंद अपना मकान ही नहीं है, ना उन्होंने को प्लाट है तो ना उन्होंने को मकान है। कुछ इन्होंने ऐसे है जो सरकारी ज किसी प्राइवेट सैक्टर से नौकरी करते हैं उन्होंने को डबल स्टोरी तक मकान है, इन्होंने दो ऐसे ने जिन्हों के डबल स्टोरी मकान ने, उन्होंने खाते में पैसे पाए गए हैं। मैं 2-3 को तो मैं फोन करके पता भी कर लिया कि तुहाडे अकाउंट च पैसे आए ने, उन्हें मैंने कहा कि मेरे अकाउंट च पैसे आए ने तो मैं पैसे खर्च ले ने। उन्होंने ऐसे बंदे मतलब कि कोई इन्हों कोई भी गरीब ऐसा नहीं है कि जी जिन्हों जरूरत हो, सारे वधिया नवे मकान बने हुए हैं जेडे जिन्होंने जरूरत ही उन्होंने खाते में पैसा कोई नहीं पिया। इन्होंने एक हाड़े जे MCA पंजाब नगर वार्ड के एक उन्होंने भांजी का ना है जोनसी जसरोटिया डॉक्टर दलजीत सिंह जिदे अकाउंट में मेरे ख्याल 29,500 पिया वो खाते पिया। वो लड़की अनमैरिड है मेरे ख्याल 18 साल के करीब होनी है, वो अकाउंट भी 29,500 रुपया पिया। बाकी हाडे वार्ड कम से कम कोई 6-7 लाख रुपए के जोड़े जो पैसा आया वो लिस्ट अभी 1-2 दिन तक आ रही है, वही सारी फिर मीडिया अगर उजागर करा। ये मतलब कि इन्होंने तुम मैं दस चुका पहला भी कि एक कोई भी बंदा जोड़ा डिजर्व नहीं करता कि जिन्होंने ये पैसे की लड़ हो, जोड़े गरीब लोग ने वो किसी के भी लोग जिन्हों को घर नहीं है कुछ मतलब मकान ढटिया उन्होंने किसी के भी पैसे नहीं पे। मैंने लगता भी जड़िया फाइलों ही वो पाड़ के कूड़े सुट दी गई तो ये अपने खास जोड़े है उन्होंने अकाउंट पैसे पाए गए। प्रशासन अगर ये मांग करने भी इन खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए है, पूरी इनकुआरी हो कि इन्होंने पैसे कितने कितने वरते ने, कि मकान इन्होंने को है इन्होंने पैसे वह मिसयूज किया है, कोई भी मतलब अपने मकान रिपेयर करने किसी ने पैसे नहीं लगाए है। VP सैनी की कहना चाहते जो खातों के पैसे आ रहे हैं? मैं भी इस बारे पता चलिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के उन्होंने कोई 29,500 पर परसन जिन्हों के कोई मकान ढटे हुए थे या जिन्हों की रिपेयर होनी थी वो वास्ते उन्होंने रिलीज़ किया, लेकिन ये लिस्ट के मुताबिक जिस तरह ये दस रहे हैं कि उन्होंने लोगों को नहीं मिले जिन्हों जे एलीजिबल से या जिन्ह जे डिजर्विंग थे कैंडीडेट, ये अपने बंदियां नूं देख के उन्होंने इलैक्शन से फायदा लैन वास्ते शायद यूज़ कर रहे हैं। की मांग करते प्रशासन को? प्रशासन को चाहिए भी इन्हों की प्रॉपर इनकुआरी करे भी ये जिन्हें जिन्होंने मिले ने उन्होंने कोई मकान की ऐसी रिपेयर हुई हैगी है ढट्ठे ने नहीं ढट्ठे कहदे वास्ते उन्होंने दिते ने उन्होंने कितने यूज किए ने किवें यूज किए। आवाज उन्होंने पैसे का आरोप लग रहा कि तुहाडे वल्लों अपने चहेतियां जां अपने सिरां नूं पाए गए, की कहना चाहते? सर गल इस तरह कि चहेतियां नूं पाण दी कोई तो है ही नहीं है, जो भी जिदे भी लोड़मंद सी जिन्होंने अपने फॉर्म भरे है वो डिपार्टमेंट ने आके उन्होंने देखा सारा उन्होंने फोटो स्नैप्स हुई है कि उन्होंने काम करवाना वो सारी उन्हें जोड़े एसटीमेट बने गए जई साहब देख के गए सब कुछ देख के गए वो दिखन तो बावजूद ही उन्हें केस पास हो ठीक है ना, वो असी कोई चहेते सी असी साढ़े कहते थोड़े पैसे पे है
ਜਾਂ थोड़े पैसे पाए ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੋਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਨੈਪਸ ਫੋਟੋਆਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 41 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਮ ਸੀ ਆਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਵਾ ਲਈ ਹੈ बिल्डिंग का नक्शा होगा बकायदा ओदा फोटोग्राफी की मैं जरा अगे भी मैं कह चुका तो मैं मीडियम के माध्यम से मैं फिर कहना चाहना यहोजा सिस्टम यह सिर्फ एक इलेक्शन का स्टंट है और आरोप लगाना है एक गलत रोप लगा रहे हैं कि पाए जा रहे क्योंकि इन्होंने सर एक इन्होंने खुद इन्हों को काम ही नहीं होता ये किसी का काम कर ही नहीं सकते इन्होंने कुछ जी असी काम किया वार्ड के काम किया लोगों ने ग्रांटा पवाइया ज ग्रांटा पईया डिपार्टमेंट ने दी सरकार ने पंजाब सरकार ने दतिया तो सगो इन्हों मैं बार बार कुछ देर वाले मैं कहा कि इन्हों क्यों इन्नी जलसी फील होती है कि जी अच्छे काम कर रहे वो तारीफ कर बजाय जलसी क्यों फील होती है बाकी जेडे साडे कोल हाले भी कारपोरेशन दे विच 3.5 करोड़ रुपया होर फंड पिया होया जिदे विच असी कच्चे मकानां दा फंड जिहड़ा होर फंड पिया असी होर लोगों ने अपन सारे रोनगर के वार्डा के वासु जिहड़े आ जिहड़ा अपना मकान की ग्रांट भरना चाहते आ उह भरन फॉर्म भरन असी डिपार्टमेंट दिखेगा कि क्या लोड़मेंट हैगी है कि इन्होंने उन्हें वकारा उन्हें केस पास किए जाएंगे पंजाब सरकार उन्होंने देगी हाँ सारे दिन असं उन्होंने नाल होकर गरीबों को पैसे दवाओगे ये कोई गल नहीं हैगी जी इन्हों भी लोड़ हैगी है तो भी लिया जी इन्होंने कोई बंदे है वो बंदे देन दसन अपने बंदे कि जी ये गरीब है तो भी सूँ कह देना इन्हों भी दवा देवे कोई गल नहीं असी कोई गल नहीं रागी होम डेकोर गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स ceiling, furniture, and door panel, an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे आपके घरों दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यवसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली 100% मॉइस्चर प्रूफ 100% टर्माइट प्रूफ एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी साउंड रिड्यूसिंग फायर रिटार्डेंट रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल Mamoon Road, Pathankot. Contact us on 9540006113.